ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम माते श्री नमो नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम। अगला 7 दिन मकरों के लिए, शनि साढ़े साती के पीरियड में कुंभ के लिए और मीन के लिए और मेष के लिए, एक चंद्र स्थिति राशि फल समझ लीजिए। इसमें आज का जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय कुंभ में चंद्रमा चल रहे हैं मकर का द्वितीय में, और ऐसे कंडीशन में ये जो परिस्थिति है इस नक्षत्र में मकरू के लिए आने वाला 3-4 दिन, 7 दिन तक थोड़ा सा सावधानी रहने का आवश्यकता है। अभी चंद्रमा टुवर्ड्स मंगल, टुवर्ड्स राहु और टुवर्ड्स शनि को देके क्रॉस कर रहा है, और जब भी ऐसे पाप ग्रह के साथ चंद्रमा क्रॉस करता रहे, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक या दो पाप ग्रह से जाए, तो उस समय यात्रा, बड़े काम, शुभ कार्य इत्यादि जनरली मना करते हैं, और ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं चोर चपेट एक्सीडेंट होने का भी संभावना रहता है और परेशानी भी आ सकता है। सबसे पहले मकरू के लिए बात करता हूं, तो मकरू का इस समय द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चंद्रमा कहीं ना कहीं से इधर शनि के साथ, इधर राहु के साथ आगे चल के मंगल के साथ, और यहाँ जाके पाप कर्तरी में भी फंसेगा, और यहाँ भी जाके पाप कर्तरी में फंसने वाला है। तब तक यहाँ जो मंगल का परिस्थिति को देखेंगे तो सबसे पहला पैर में चोट लगना, हाथ में चोट लगना, खून निकलना, काम में डिले हो जाना, मन में गलत निर्णय लेने का परिणाम बनना, और इस समय क्योंकि तृतीय में भी जाएगा, एक दिन के अंदर तृतीय में जाएगा, राहु के साथ जाएगा, और ये राहु खुद में पाप कर्तरी में फंसा, हालांकि इसमें बल नहीं रहेगा, गुरु यहाँ पर कंबर्सन इफेक्ट निकलना गुड़ने के चक्कर में है, तब जाके यहाँ राहु बहुत बढ़िया फल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन नेगेटिव फल भी देगा। इस चंद्रमा को पराक्रम में वृद्धि बोलने से अनसंड करके क्या करेगा, आपको डाइवर्शन दे देगा, तो आप कोई काम करने के लिए जाओ और उसमें बड़े सारे बाधाएं। यही काम चंद्रमा शनि के साथ, क्योंकि ये भी अगला दिन तक रहने वाला है, तो एक काम करने जाओ, दूसरा काम में फंसो, दूसरा काम करते जाओ, तीसरा काम में फंसो, जो काम आपका नहीं होना चाहिए उसी काम में फंसो, दूसरे के पचड़े में पड़ जाओ, ये बन सकता है। जिस लक्ष्य पे आप आगे बढ़ना चाहते हो उस लक्ष्य से डाइवर्सन हो जाना, या लेट हो जाना, या इंतजार करना पड़ना, या सीढ़ी में चढ़ रहे हो सीढ़ी खराब, लिफ्ट में चढ़ रहे हो लिफ्ट खराब, इंतजार करके बैठ रहे हो पसीना दर दर निकल रहे हैं, फिर आके कोई ऊपर में खोल दिया या नीचे से जाके बनाया, तब तक जाके देखते हो ना एसी है, ना फैन है, ना कूलर है, ना पानी है, मुंह सूख रहा है, ओठ सूख रहे हैं, और काम करने के लिए बाध्य है, जा रहे हो दौड़ रहे हो, नहीं बन रहा है कहीं से, तो ऐसे कंडीशन में ये थोड़ा सा सावधानी। और यहां पर क्या करेगा, उग्र ऊर्जा कराएगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा, फिर मंगल के साथ जाएगा, तो ये थोड़ा सा चंद्रमा आने वाला 45 दिन में जब जब इस घर को मेष को क्रॉस करेगा, चंद्रमा चंद्र मंगल आपके लिए लू लगने का चांसेस है, गर्मी का थपेड़ा खाने का चांसेस है, तो ये अगला 2.5-7 दिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सावधानी मकरू वालों के लिए बरतना बड़ा जरूरी बनता है। ऐसे में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, होंठ सूख जाना, और ये वृष का द्वादश में भी होगा, तो वृष राशि वालों के लिए भी यहां से सावधानी करा रहा हूं, सडन ठंडा लगने लगेगा, या पसीना सूख रहा है जैसे लगेगा, या धूप, ये लू लगने का टेंडेंसी यहां दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि धूप में ना निकले, सर में सफेद कपड़ा देके निकले, जो काम करना है सुबह सुबह खत्म कर दो, दिन को बाकी मत रखो, और जहां भी जाते हो पानी पे बोतल लेके निकलो, मिट्टी का बोतल मिलता है तो अच्छा है, तांबा वगैरह में हीट हो जाएगा, लोहा वगैरह में हीट हो जाएगा, प्लास्टिक वगैरह में हीट हो जाएगा, ऊपर में कपड़ा गुड़ा के ले जाओ, गुण ऐसे लपेट के ले लो, गुड़ा शब्द है, उड़िया है, निकल जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ा सा नॉट गुड रह सकता है इस क्षेत्र में धूप के लिए। बेटर है आप फ्रूट सलाड ले सकते हो इस प्रकार, थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला हो तो, जैसे आम केला और वगैरह वगैरह सब मिला के, वो बढ़िया रहेगा। बर्फ इस समय नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचे रहना, आइसक्रीम वगैरह से बचे रहना, इंटरनल हीट कर देगा, क्योंकि यहाँ हालांकि अभी चंद्रमा में पानी आ जा रहा है, कल तक नहीं था, क्योंकि यहाँ बड़े सारे दग्ध समय हो जाते हैं ना,
जैसे द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी क्रॉस कर गया, चंद्रमा में पानी आ गया। देखिए रात को थोड़ा सा ठंडा लगता रहेगा। मैं कल रात को भी 12-1 बजे गौ माता को देखने के लिए गया था, तो वहाँ गौशाला में भी, तो देखा कि रात को ठंडे ठंडे थोड़ा सा आ रहा है, कंडीशन कंट्रोल में आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। ये आने के लिए और भी चाहिए, एकादशी द्वादशी पूर्णमी वाला, तो उसमें ज्यादा कंटेन ऑफ वाटर रहेगा तो थोड़ा सा उसमें शीतलता दे देगा, लेकिन अभी नहीं देने वाला है। अभी तो मंगल के साथ जाएगा तो और टेम्परेचर बढ़ाएगा, सूर्य के साथ जाएगा उच्च का चंद्रमा हो जाएगा, तो यहाँ पर चंद्र सूर्य यहाँ आपके पंचम स्थान इस सूर्य यहाँ, हालांकि ये एक प्रकार का और थोड़ा सा ज्यादा परेशानी भरा कंडीशन बनेगा ही चंद्रमा यहाँ आने के बाद, और उस समय कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं घबराहट, और जिसको बोलते हैं और थोड़ा सा भय जैसा टेंडेंसी। और इस समय ये जो चंद्र राहु और चंद्र मंगल दोनों का यहाँ उति बनेगा, तो कुछ ज्यादा ही फियर फोबिया और एक्स्ट्रा एनर्जी, ये दो चीज से थोड़ा सा बचना चाहिए इस कंडीशन में। और फिर से बोल रहा हूँ, घर में हो सकता है चोट लगे, बाहर में हो सकता है चोट लगे, काम के एरिया में थोड़ा सा चोट लगे, थोड़ा बहुत चोट लगने का समय कोई डरने का विषय तो नहीं है, लेकिन क्योंकि भूमि भवन वाहन के घर में स्वगृही मंगल के ऊपर क्रॉस करेगा चंद्रमा, इस कंडीशन में गाड़ी वगैरह जब चला रहे हो सावधानी से चलाने का आवश्यकता है, और हर व्यवस्था आपके जो भी गाड़ी में तो रहता है ऐसे, वो कहीं घाव हो जाए लगाने के लिए सीट बेल्ट बांधना एकदम नहीं भूलिएगा, बाइक वगैरह चला रहे हो हेलमेट एकदम मत भूलिएगा, और गाड़ी हो तो थोड़ा सा ऊपर में सफेद कपड़ा, जैसे पेंट शर्ट पहन रहे हो ना, ऊपर सफेद कपड़ा डाल दो, ताकि गर्म का बाइक वगैरह के लिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट हीट नहीं मारेगा। डबल कपड़ा अगर कॉटन सूती खादी इस समय जरूर, आप देखे होंगे ज्यादातर मैं खादी मेंटेन करता हूँ, तो खादी जरूर होना चाहिए, खादी हॉट एंड कोल्ड को बैलेंस कर देता है। अब वही बात कुंभ के लिए बात करूंगा, कुंभ के साथ भी आसपास ऐसे ही घटनाएं दिखाई देंगे, हालांकि कुंभ के साथ थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ अपना लग्नेश बैठा हुआ है तो बचाता है, मीन के साथ परेशानी हो सकता है। इस समय इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग सकता है, पसीना से लथपथ हो सकते हैं, पानी में चंद्रमा जाना यहाँ पर राहु के साथ जाना, तो बड़े सारे घूमना वाला और इस प्रकार के लू के कंडीशन में इनमें इनमें ज्यादा रहता है रहेगा, तो इनको थोड़ा सा कंपटीशन चैलेंज रहेगा थोड़ा सा। और मेष वालों को बोल दूं कि इस समय दिमाग खराब होना होने का कगार और बढ़ेगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी रहने का जरूरत है। और ये जो चोर चपेट एक्सीडेंट और खून निकलने का जो संभावना है, मुझे ये चारों राशि वालों को दिखाई दे रहा है, तो इनको थोड़ा सा सावधान रहना। देखना स्पेशल, आप बोलोगे ऐसे तो सबका निकलता है, नहीं निकलता है, इस टाइम पीरियड में ये होने का संभावना कुछ ज्यादा है। धन्यवाद, नमस्कार।